गुरुर्विष्णु गुरुर्देवेश्वरा सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। मोहिनी एकादशी। सब पाप और दुखों को दूर करने वाली यह मोहिनी एकादशी इस साल 23 मई को आती है, 23 मई 2021। मोहिनी एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने देव देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। लोगों में आस्था है कि इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था अमृत मंथन के वक्त, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी के बारे में एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कही। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी को पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाली सब वृत्तों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुख को मैं भोग चुका हूँ, इसे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धायुक्त है, तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रत में उत्तम व्रत और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत से प्रभाव से प्राणी मोहजाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप शरीर के मनुष्य के करने योग्य है। ये पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती तट के एक भद्रावती नाम का सुंदर पुरी है। वहाँ द्रुतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमानु द्रुतिमान मेधावी सुकृत दुष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। पांचवा दुष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्यों से रमन तथा दुष्टों से वार्तालाप के में कुशल था। जुआ आदि को उसको व्यसन था। जुआ आदि के उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि को पूजन नहीं करता था।
वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहु डालकर घूमते हुए देखा था, उस घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया। फिर वह दुराचारी दुष्ट बुद्धि मजबूत बीड़िया से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश से मत रहो। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरक बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तितर और मुशकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी दुष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल के बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दुष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न के जन्म भर के पापों को नाश हो। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करे, वह मनुष्य के सुमुरु का के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों में जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर दुष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधिपूर्वक वृत्त को किया। हे नृप्रश्रेष्ठ, इस वृत्त के कारण से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। इसी तरह ये मोहिनी एकादशी वृत्त करने से सब पापों का नाश होता है। इस दिन गोमूत्र का सागर लेना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला। इस दिन जो भी उपवास करता है उसको सब पापों को दूर होता है।